फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन लखराजो इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है एससी हार्डविक का वॉल्यूम 0। आज हम इस वीडियो के थ्रू चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 8 के बारे में, यानी हम जिस तरह जितने भी आप वोकैब्स आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, हम सभी वोकैब्स को एक कहानी के माध्यम से आपको एक वीडियो के जरिए देने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कहानी पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। दोस्तों, अब कहानी स्टार्ट करते हैं। यानी पहला वर्ड है सबऑर्डिनेट, SUBORDINATE, जो कैटेगरी से एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अधीनस्थ कर्मचारी, यानी असिस्टेंट, यानी जूनियर कर्मचारी। यानी एक साइंटिफिक जगह है, यानी जैसे आप सपोज DRDO मान लीजिए, एक वैज्ञानिक केंद्र है, वहां पे एक असिस्टेंट यानी सबऑर्डिनेट कर्मचारी बाहर आता है, शायद उसे किसी चीज का तलाश करनी हो, ढूंढना हो, किसी के थीम के बारे में सर्च करना हो, तो एक सबऑर्डिनेट यानी कि असिस्टेंट अधीनस्थ कर्मचारी खोज के तलाश में जाता है। वो एक समुद्र के पास जाता है और उसमें क्या करता है दोस्तों, सबमर्ज करता है, SUBMERGE, जो कैटेगरी से भर में गोता लगाना, यानी उसमें सिंक करना, सिंक SINK, गोता लगाना, डूबना, यानी कि उसमें वो क्या कर रहा था, सबऑर्डिनेट व्यक्ति कर्मचारी, वो समुद्र में किसी चीज के विषय में ढूंढ रहा था। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा था, ढूंढ रहा था, यानी डिस्कवर कर रहा था। दोस्तों, एक जानने योग्य बात यहां पे ये है कि दो वर्ड होते हैं सर्च करने का, ढूंढने का, पहला होता है इन्वेंशन और दूसरा होता है दोस्तों आपका डिस्कवर। दोनों के अर्थ समान होते हैं, अर्थात अर्थ सेम होता है, सर्च करना, ढूंढना, पता लगाना, लेकिन थोड़ा इनका सेंस अलग होता है, यूजेज अलग होते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्वेंट यानी इसे हम इन्वेंशन, ये कैटेगरी से नाउन होता है, इसका यूज दोस्तों ये होता है कि ऐसा खोज जो आपको पहले से क्या था दोस्तों, इसका अस्तित्व नहीं था, यानी ऐसा खोज आपका जिसका पहले से अस्तित्व ना हो। जैसे मान लीजिए बाइसिकल का खोज, टेलीफोन का खोज ग्राम बेल ने किया था, ये सभी खोजें जो आने वाले मॉडर्न एज में किया गया। और एक होता है दोस्तों आपका डिस्कवर, यानी एक ऐसा खोज, एक ऐसा सर्च जिसका अस्तित्व पहले भविष्य में, भूत में होगा, भूतकाल में होगा, और उसका वर्तमान में खोज निकाला गया। जैसे वास्को डी गामा ने इंडिया का खोज किया था 1498 में, और आप कोलंबस का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि दोस्तों 1492 में अमेरिका का खोज निकाला था। चलिए हम चर्चा करते हैं, एक व्यक्ति था सबऑर्डिनेट जो समर्ज किया, गोता लगाया, क्या था कि सडनली क्या हुआ कि उससे कुछ भूल हुई कि वो सर्च करते करते, गोता लगाते लगाते थोड़ा दूर, काफी दूर समुद्र के आया चला गया। जब वो गया, यानी कि थ्रेशोल्ड, THRESHOLD, थ्रेशोल्ड का दहलीज द्वार, यानी एक लिमिटेशन जब वो क्रॉस कर गया, यानी दोस्तों समुद्र का एक लेवल, दहलीज द्वार, थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया, तो उसने एक बहुत बड़ा चीज देखा, यानी क्या देखा, SPECIOUS, स्पेशियस कैटेगरी एडजेक्टिव, जिसका अर्थ होता है बड़ा, क्या देखा, लावा, LAVA, लावा यानी मैग्मा, यानी देखा कि समुद्र के जब थ्रेशोल्ड से पार हो गया, उस दहलीज द्वार से आउट ऑफ चला गया, किनारे देखा कि यार बहुत बड़े पैमाने पे ज्वालामुखी से क्या निकल रहे हैं, मैग्मा निकल रहे हैं, लावा निकल रहे हैं, किसमें, स्पेशियस यानी कि बड़ा, लार्ज, लार्ज पैमाने पे, बड़े पैमाने पे ये दोस्तों निकल रहा था मैग्मा। उसने देखा कि जब मैग्मा निकलता है तो आप देख पाइएगा एक शंकु की तरह, जो शंकु आप देखते हैं, यानी दोस्तों शंकु का इंग्लिश होता है टेपर, TAPER, नुकीला छोर शंकु, जो लावा निकलता है अंदर से एक त्रिकोण जैसा बनाता है, इस पर ध्यान दीजिएगा, जो त्रिकोण बनता है, शंकु बनाता है, उसे इंग्लिश में दोस्तों टेपर कहते हैं, ठीक है, यानी नुकीला छोर अर्थात शंकु, ऐसे निकल रहा था, उसने देखा सबऑर्डिनेट व्यक्ति। तो क्या हुआ, दिखाई देना का दोस्तों एक और अर्थ होता है लूम, LOOM, लूम दिखाई पड़ना, APEAR, इसका भी अर्थ होता है, उसने बहुत बड़े पैमाने पर किसी चीज को देखा, क्या देखा, तो शंकुधारी लावा मैग्मा को निकलते हुए देखा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे, उसने उस लावा में क्या हो रहा था, देखिएगा, लार्वा एक वर्ड है, LARVA, लार्वा, कीट, जो कि यंग इंसेक्ट को लार्वा कहते हैं, और एक होते हैं पारासाइट, PARASITE, पारासाइट का मतलब होता है दोस्तों परजीवी,
यानी ये दोनों जो आप यंग स्ट्रेक्थ और परजीवी छोटे छोटे जीव जंतु थे, लावा क्या करता जब निकल रहा था तो आस पास से इन्हें भी अट्रैक्ट करके एब्जॉर्ब कर लेता था। ABSORB एब्जॉर्ब माने सोख लेना, यानी कि अपने आप में सबमर्ज कर लेता था, शामिल कर लेता था उन्हें, ठीक है, किसे तो लार्वा को और पैरासाइट्स को। ये प्रक्रिया धीमी धीमी हो रही थी, यानी टार्डी TARDY एडजेक्टिव धीमा, थोड़ा सा एक स्टेग्नेंट मोमेंट पे, फिर धीरे धीरे वो क्लोज होने लगा, ठीक है, माने जो जिस रफ्तार से लावा निकल रहा था वो थोड़ा सा स्लो हुआ। तो जो व्यक्ति था, असिस्टेंट व्यक्ति था, सबोर्डिनेट था, जो कर्मचारी था, प्रिज्यूम किया, PRESUME, प्रिज्यूम माने गेस करना, माना कि मे भी लगता है कि अभी खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो उसने सोचा कि खत्म हो जाएगा, ये भगवान का वरदान है। वरदान का मीनिंग होता है जो बून, BWN, बून का मतलब होता है, बून का मतलब होता है वरदान। चलो भगवान की वरदान है कि ये चीज जो है ज्वालामुखी खत्म हो जाएगा, मैग्मा निकलना खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक मैग्मा का रिटॉर्ट आया, यानी RETORT नाउन कैटेगरी से प्रतिउत्तर, एकदम सडनली रिप्लाई आना, रिटॉर्ट आना, तेजी से वो बाहर दोबारा आने लगा, एकदम भूचाल मार करके सभी चीज को पूरा अंदर से देखते हैं आप, आग निकलते रहता है ज्वालामुखी के अंदर में। तो यानी कि रिज्यूम होने लगा वो, RESUME, रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरू होना। और तब उसने क्या किया, सोचा कि चलो भाई अब इतना डेंजर चीज है तो इससे दूर रहना ही भला है, इसमें दूर रहेंगे तब जाएगा। तो उसने क्या किया, SHUM सन का कैटेगरी से भर में दूर रहना ही सोचा। और वो दोस्तों जिस तरह वो समुद्र की दहलीज पार कर गया था, वो दोबारा क्या किया, यानी अंत में रिजल्ट आया सब सिक्वेंट, मतलब क्या होता है परिणाम स्वरूप, उसने क्या किया कि दोबारा खोज की जो तलाश में निकला था उसी रास्ते उसी माध्यम से अपने जगह पे आया। और अपने जो कि ग्रुप में जहां वो काम करता था, वैज्ञानिक केंद्र में, एक सेंटर में काम करता, सभी को इन सभी के बारे में बताया। चलिए दोस्तों, ये एक वोकैब्स थे, सभी वोकैब्स मैंने आपको कहानी के माध्यम से देने का प्रयास किया, आई होप आपको अच्छा लगेगा, आप इसे इंजॉय कीजिए। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू दोस्तों कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।